आज हम इस वीडियो के में एक बहुत ही प्रेरणादायी अनमोल भावपूर्ण अनुभव के माध्यम से यह जानेंगे कि समर्पण शरणागति क्या है, शरणागति के क्या लाभ हैं और कैसे जाएं प्रभु शरण में। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, समर्पण शरणागति कोई पूजा पाठ अथवा साधना नहीं है। समर्पण तो हमारे हृदय का वह विशुद्ध भाव है जिसमें हम स्वयं को परमात्मा के प्रति अर्पण कर देते हैं। समर्पण का अर्थ है स्वयं को अर्पण, अर्थात भगवान को सर्वश्रेष्ठ सहारा मानकर अपने जीवन नैये की पतवार जिम्मेदारी भगवान को सौंप देना। यह वो आत्म कल्याणकारी भाव है जिसमें अपने बुद्धि ज्ञान की श्रेष्ठता का भाव अर्थात अपने मन का ईगो अहंकार ही परमात्मा को अर्पण करना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग पिछले 15 सालों से फेसबुक आदि सोशल मीडिया के माध्यम से समर्पण भाव ही बांटता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी ने एक सच्चे गुरु के रूप में इसी भाव को ही बांटना जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग बताया है। वैसे तो सामाजिक दृष्टि से यह एक पागलपन जैसा ही लगता है, परंतु जनसेवार्थ संकल्पबद्ध होने के कारण मेरे लिए मान अपमान के विषय में सोचना भी अधर्म और अनुचित है। एक बार जब मैं गांव गया तो अपने स्वभाव अनुसार जन कल्याण की भावना से संपर्क में आने वाले भाई बहनों को भी समर्पण भाव के लिए प्रेरित करने से नहीं चूकता था। एक दिन जब मैं घर पर ही बैठा था तभी एक बहन आई और सकुचाते हुए मुझसे कहने लगी, भैया जी मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जीवन में शांति आ जाए। मैंने कहा, बहन यह शांति तो मन की व्यवस्था होती है, मन की अवस्था होती है, हम व्यवस्थाओं में ढूंढते हैं, यही हमारे दुख का मूल कारण होता है। मन की शांति तो हम सुख दुख के बंधनों से ऊपर उठकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये सुख दुख भी माया की व्यवस्था है जिसके कारण ही यह संसार चलायमान है। परमात्मा के द्वारा रची गई इस सुख दुख की माया के बंधनों को तोड़ पाना मनुष्य के पुरुषार्थ के वश में नहीं है। इस माया के से सुरक्षित सुरक्षा पाने के लिए हमें परमात्मा का आश्रय लेना परम आवश्यक है, जिसके लिए हमारा परमात्मा के प्रति हृदयगत समर्पण भाव अति आवश्यक है। फिर मैंने उस बहन को समर्पण अर्थात शरणागति की भाव को सरल शब्दों में समझाने के लिए पूछा कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करती हैं, यदि करती हैं तो कितना करती हैं। तो तब वह बहन कहने लगी, मैं भगवान शिव में बहुत विश्वास करती हूँ, मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती थी और जो मांगती थी वह मिल जाता था, परंतु अब नहीं। मैंने कहा, बहन यही तो हम भक्तों के दुर्भाग्य की विडंबना है कि हम अपनी मायामयी बुद्धि की प्रेरणा से भगवान से जीवन भर वो सब मांगते रहते हैं जो हमें श्रेष्ठ लगता है। हम कभी इस बात पर विचार ही नहीं करते कि हमारी बुद्धि और ज्ञान भगवान की अपेक्षा बहुत ही अल्प और सीमित है। हो सकता है इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले जगतव्यापी जगदीश्वर की दृष्टि में हमारे लिए कुछ ऐसा उपहार हो जो हमारे लिए आवश्यक और सर्वश्रेष्ठ हो। हम जीवन भर अपने बुद्धि के अहंकारवश अपनी भक्ति को भी व्यापार बना लेते हैं, परंतु समर्पण नहीं करते हैं। परमात्मा से अधिक स्वयं की बुद्धि और ज्ञान पर विश्वास करते हैं, इसी कारण हम वह सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो हमारे लिए परम आवश्यक और अनिवार्य होते हैं। फिर मैंने समर्पण को सरल शब्दों में समझाने के लिए उस बहन को एक उदाहरण दिया। मैंने कहा, मान लो बहन दो अलग अलग भक्त हैं, दोनों ने अपनी पूजा जब तक साधना आदि के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर लिया। एक भक्त को प्रभु जी दर्शन देते हुए कहने लगे, मांगो भक्त क्या चाहते हो। गरीबी के कारण उस भक्त का मन भौतिक विषयों में आसक्त था, सो उसकी दृष्टि में धन वैभव मान सम्मान ही श्रेष्ठ था, इसलिए उसने वैसा ही वर मांगा। प्रभु जी ने वैसा ही वर दे दिया। उस भक्त का जीवन धन वैभव मान सम्मान और सुख साधनों से भरपूर हो गया, परंतु
उसका मन माया के अधीन होने के कारण धीरे धीरे भौतिक विषय वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख का बोध पानी के बुलबुले की भांति समाप्त हो गया, जिसके कारण उसके मन को पुनः कामनाएं और अशांति उन्माद घेरने लगी। यदि मन की शांति न मिले तो धन वैभव का क्या मोल। अब वही प्रभु जी दूसरे भक्त को दर्शन देते हुए कहा कि मांगो भक्त, कैसा वर चाहते हो। वह भक्त बड़ा ही सरल था, उसे अपनी बुद्धि और ज्ञान पर तनिक भी अभिमान नहीं था। वो जानता था कि मेरे भले बुरे का ज्ञान मुझसे कहीं अधिक मेरे प्रभु जी को है। सो वह भक्त प्रभु जी के श्री चरणों में लौटते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आप इस जगत के स्वामी हैं, इस जगत के रचनाकार हैं। सो आपकी बुद्धि और ज्ञान के सम्मुख मेरा ज्ञान तो एक धूल के सूक्ष्म कण के समान भी नहीं है, जिससे मुझे उचित अनुचित अच्छे बुरे का तनिक भी ज्ञान नहीं है। इसलिए हे नाथ, अब मैं अपने आप को आपके शरण में सौंपता हूँ। अब आपके ज्ञान और बुद्धि के अनुसार जो मेरे लिए श्रेष्ठ लगे वही मुझे प्रदान करें। उस भक्त की इस प्रार्थना पर प्रभु जी अति प्रसन्न हुए और उसे अपनी माया से अभयता प्रदान करते हुए वो दुर्लभ कृपाएं प्रदान करते हैं, जो हम साधारण जनों के लिए अति दुर्लभ परंतु परम आवश्यक होती है, जिसके कारण उस भक्त का मन अच्छे बुरे प्रत्येक परिस्थितियों में शांति प्रेम आनंद और भक्ति भाव से ओतप्रोत रहने लगा। अब मैंने उस बहन से पूछा कि बताओ दोनों भक्तों में कौन सा श्रेष्ठ था। उस बहन ने उत्तर दिया, दूसरा भक्त, जिसने प्रभु जी के प्रति स्वयं को अर्पण कर दिया। मैंने कहा, ठीक, बिल्कुल ठीक समझा बहन। वास्तव में यह धन, ईश्वर, मान सम्मान आदि स्थितियां जब तक हमें प्राप्त नहीं होती हैं तब तक हमें बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्रतीत होती हैं, परंतु जब ये हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें इसकी आदत हो जाती है, जिसके कारण उनसे मिलने वाला सुख का बोध भी समाप्त हो जाता है। फिर हमारा वही मन सब कुछ उपलब्ध होने के पश्चात भी हमें दूसरे विषयों की ओर भगाने लगते हैं, जिससे मन की शांति कभी नहीं मिल पाती है। हालांकि मन की अशांति के अनंत कारण हैं और उन कारण और परिस्थितियों में भी हमारे मन की शांति कैसे स्थिर और अस्थायी रखना है, यह बात सर्वव्यापी प्रभु जी भली भांति जानते हैं। हमारे जीवन में कब किस क्षण अनहोनी घटित हो जाए इसका किसी को कोई ज्ञान नहीं होता है, परंतु ऐसे अनहोनी से हमें कैसे सुरक्षित रखना है इसका प्रभु जी को पूर्ण ज्ञान होता है। जब हम भगवत परायण होते हैं, अर्थात परमात्मा की शरणागत होते हैं, तो भगवत कृपा से हमें वह दुर्लभ ज्ञान और आध्यात्मिक स्थितियाँ प्राप्त होने लगती हैं, जिसके प्रभाव से हमें प्रत्येक परिस्थितियों में आत्मिक शांति मिलने लगती है। हम सदा सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। समर्पण के अनंत गुण और लाभ हैं जो भगवत कृपा से धीरे धीरे हमें ज्ञात होने लगते हैं। अब सवाल यह है बहन कि कैसे जाएं प्रभु शरण में। बहन, यह तो हमारे हृदय का एक विशुद्ध भाव है, जिसमें हमें अपने ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव ही परमात्मा को अर्पण करना होता है। हमारे समर्पण की प्रार्थना का भाव भी पूरी तरह से निर्मल, निष्पक्ष और अहंकार रहित होना चाहिए। आप इस प्रार्थना को सुबह जागने के बाद बिस्तर पर ही बैठे बैठे अथवा रात में सोते समय भी कर सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों का जीवन भी पर भगवान के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित बनाने के लिए वर्ष में एक बार इस संकल्प को एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण करते हुए जरूर करवाइएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। समर्पण की इस प्रार्थना को जल अर्पण करने के साथ करने से हम परमात्मा के प्रति स्वयं को अर्पण करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण यदि हमारे समर्पण भाव में अशुद्धि हो तो भी वह पूरी हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संकल्प को करने में केवल 2 मिनट ही लगेगा, इसलिए एक बार आप सब भी एक बार जरूर कीजिएगा। आपके इस सेवक की समर्पण की प्रेरणा कैसी लगी यह कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।
आपकी जिज्ञासा ही मेरी प्रेरणा है। जनहित में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से इससे भी अधिक भावपूर्ण और प्रेरणादायी अनुभव और भागवत प्रदत्त अनमोल ज्ञान बांटता रहूँगा, जिससे आपके जीवन में भी शांति, प्रेम, आनंद और भगवत कृपाओं का प्रादुर्भाव हो। अपने इस सेवक का मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी वीडियो के साथ। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर सहृदय प्रणाम। जय श्री हरि।